अलमेकुम मैं हूँ मुख्तार अहमद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ इसका कोड है एम जी टी फाइव जीरो वन एंड टुडे वी आर हेयर फॉर आवर लेक्चर नंबर सेवन बिफोर आई शुड स्टार्ट लेक्चर नंबर सेवन लेट मी आस्क यू हाउ यू यू आर लर्निंग इज दर एन डिफिकल्टीज ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आ रही हो या समिंग माइट भी कंफ्यूजिंग यू तो उसके लिए यू कैन गेट बैक टू हस राइट हस टॉक विद हस एंड विल माइ हेल्प यू अफकोर्स विल हेल्प यू लेकिन उसके लिए मेन पैटर्न वही है पढ़ने का और समझने का जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ चीजें डिफिकल्ट लग रही होंगी आपको क्योंकि देर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर ट्राइंग टू गेट देम क्लोज टूगेदर टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके पास बुक्स हैं रेफरेंस बुक्स हैं you have the notes and also the powerpoint presentations and of course this lecture too. in chizuke if things are not working before you should move to next chapter or next topic you to make sure that you are getting things clear and for that the virtual university staff and myself will be available. send us mail and we'll respond your queries. so let's start today lecture again. as usual, we have to develop the link with the previous one. and then we'll move forward. so what were the topics we covered in lecture number 6? And basically, it was about the history. And we started with the concept of personnel management, to what it is, how it started, and for that, we covered the history part. Even we saw 100 within a century, इेशन के अंदर क्या क्या प्राइमरी कंसर्न आते गए जिसकी वजह से शिफ्टिंग होती गी थिंकिंग की पॉलिसीज की, की और बिहेवियर आई हैव आईज सर्टन अदर इंफॉर्मेशन द नोट्स फॉर चैप्टर नंबर सिक्स जिसमें इवन मैंने वो ईर वाइज डिकेड्स में मुख्तलिफ एरिया uh, में जो मुख्तु लोगों ने काम किए थे उनके कुछ रेफरेंस भी दिए हैं जस्ट फॉर यूर इन्फॉर्मेशन सो दैट यू शुड गेट थिंग्स क्लियर इन योर माइंड और हिस्ट्री के बाद फिर हमने आस्ता आस्ता देखा कि कैसे देर वाज अ शिफ्ट वो जो एक बेसिक पर्सनल फंक्शन था जो फन पार्ट के लिए पार्टीज के लिए काम किया करता था दैट बिकम द्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो आई होप के उससे उसी से इसी हिस्ट्री पढ़ने से आपके जहन में इसकी इंपॉर्टेंस भी क्लियर होगी होगी कि हाउ इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट आफ्टू डे इज ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे डे अब नैचुरली वी हैव टू सी द एनवायरमेंट विच वी आर वर्किंग ह्यूमन रिसोर्स इस चेंजिंग एनवायरमेंट के अंदर किन चैलेंजेस को फेस कर रहा है एंड चैलेंजेस कैन बी ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट जिसके हम मैक्रो एन्वायरमेंट कहते हैं वो चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के चैलेंजेस या इंडिविजुअल लेवल के चैलेंजेस हुए मैनेजर शुड बी वेरी मच कंसर्न अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक विल कवर एंड दैट विल बी द ट्रेंड्स और मैंने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर भी इनका थोड़ा बहुत रेफरेंस दिया है हवाला दिया था कि थिंग्स आर चेंजिंग न्यू ट्रेंड्स न्यू माइंड सेट काम करने के स्टाइल चेंज हो गए उनमें से भी चंद चीजों को हम टच करने की कोशिश करेंगे और बेस्ड ऑन योर ऑल प्रीवियस फाइव और सिक्स लेक्चर्स एंड टूडे लेक्चर आई एम श्योर दट यूल बी इन ए पोजिशन टू कंसिडर एट and take it as a very important subject. and then you will be kind of in a position to now start understanding or developing the basic functions of human resource management. so let's start. human resource management in changing environment. what is environment, by the way? surroundings. जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंट कैन बी योर इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउटनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंटरनल एनवायरमेंट होती है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है इसको एक और नाम भी दिया जाता है जिसको माइक्रो एन्वायरमेंट कहते हैं और माइक्रो एन्वायरमेंट कहते हैं और एन्वायरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है लॉजिकली आप अपने किसी भी आम सी मिसाल भी ले लें कि मौसम चेंज होता है इन्वायरमेंट चेंज होता है तो यू हैव टू मेक द एडजस्टमेंट लट ऑफ एडजस्टमेंट अदरवाइज यू द लूज इवन आम जो दुनिया में हम मौसम देखते हैं सर्दी आती है गर्मी आती है जैसे ही मौसम चेंज होता है आपको अपने लिए अपनी सराउंडिंग में काफी कुछ एडजस्ट करना पड़ता है द सेम वे इन दर्गेनाइजेशन देव टू मेक एडजस्टमेंट लेट सी द चैलेंजेस एज आई साइड एक मैनेजर के लिए ह्यूमन रिलेटेड चैलेंजेस को समझना बहुत जरूरी है एज आई सेन बिगिनिंग दे आर थ्री लेवल ऑफ दोज चैलेंजेस विच वी हैव टू अंडरस्टैंड To understand the complete environment of the working of human resource are problems with human resource management or human resource. They are environment challenges as a whole, the big picture, the macro part, where as a manager we do not have any control. उट ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस चैलेंजेस जहां पे वो कुछ लेवल तक कुछ हद तक तो आपके कंट्रोल में होता है लेकिन बट स्टिल यू हैव टू मैनेज द इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज पे जो पर्सन है जो वार काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आजकल के दौर के अंदर ऑफकोर्स वो जो मेजर चेंजेस होती है उन्नी का इफेक्ट कैरी ओवर होता है इंडिविजुअल तक पहुंचता है उसकी वजह से उनकी वर्किंग उनका बिहेवियर उनकी फिलोसफी में चेंजेस आती हैं। लेट्स गो वन बाय वन एंड डिस्कस नंबर वन इन्वायरमेंट चैलेंजेस इसके अंदर भी हम देखें तो ढेर सारी एनलिस्ट कर सकते हैं चीजें लेकिन चंद को मैं आज डिस्कस करूंगा ताकि बेसिकली रीजन वी हैव सो मेनी थिंग्स टूगैदर विद यू लेक्चर भी होता है आउटलाइन भी है आपके पास कोर्स का जो लेक्चर नोट्स हैं वो भी हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और किताब है मेरे लिए पॉसिबल शायद ना हो कि मैं हर चीज को डिटेल में डिस्कस करूं लेकिन आल्स ट्राई कि मैक्सिमम जो मेन चीजें उनको आपसे शेयर कर लेकिन बाकी आप नेचुरली पढ़ के उनको डिस्कस करके उनको रीड करके आप समझ सकेंगे एंड देट इज अ लिस्ट ऑफ दोज मैक्रोलेवल चैलेंजेस लाइक ग्लोबलाइजेशन रेपिड चेंजेस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस And so on. And all these forces or challenges we sometimes call them are affecting the management or the manager or organization. And they are already directly related to human resource, affecting the human resource of the organization. Let us go one by one and try to understand how these changes or challenges or forces are affecting the organization or manager to deal with the human resource of their organization. Let's start with the number one thing which is rapid changes. The things are changing so fast that it, it is becoming sometime difficult to adjust themselves within the organization. Or well, change is always difficult. You know that. वो जो चेंजेस आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भले वो टेक्नोलॉजी की हो वर्किंग सिस्टम की हो ऑर्गेनाइजेशन की फोकस की हो प्रट एवर इट इज पुटिंग लट ऑफ प्रेशर ऑन द पीपल वर्किंग इन दर्गनाइजेशन जो उससे स्ट्रेस पैदा हो रही है उससे स्ट्रेस बन रही है उन लोगों पे जो काम कर रहे हैं वहां पे हाउ टू कोप विद चेंज चेंजेस एनवायरमेंट ये एक भी बड़ा इश्यू बनता जा रहा है नाउ दीज आर नॉट कंट्रोलेबल थिंग्स फॉर द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि जो चेंज आ रही है वो क्रॉस द बॉर्डर आ रही है देर नॉट ओनली इफेक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन बट इज ऑल्सो इफेक्टिंग अदर ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें उस टेक्नोलॉजी की चेंज देख लें आगे हम टेक्नोलॉजी को दोबारा भी देखेंगे आजकल इंटरनेट पे हर काम हो रहा है पहले टाइपराइटर पे लोग काम करते थे कंप्यूटर तो पे करना शुरू हो गए तो वट एवर चेंज इवन द कस्टमर आर वेरी स्मार्ट आज उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ, कुछ हो रहा है कल कुछ और हो जाएगी उन चेंजेस को स्पेशली जो वर्किंग के हिसाब से है या टेक्नोलॉजी के हिसाब से है उनसे अप करने के लिए एंप्लॉइज को दे शुड बी ऑलवेज एट दे टोज कहते हैं और एज एज ए मैनेजर फॉर यू और फॉर मी मीट विल वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आई ऑन दोज चेंजेस सो दैट आई शुड प्रिपेयर माई थीम माई ह्यूमन रिसोर्स

Now what is this globalization concept? आपने ये global village का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपसे class सुना होगा what is happening basically? कि वो जो अगर आप एक ग्लोब देखें दुनिया का नक्शा देखें तो बाउंड्रीज जितनी भी हैं हर मुल्क की अपनी सरहदें हैं are बिकमिंग नाउ मीनिंगलेस मीन कि पहले किसी दूसरे कंट्री के बारे में सोचना जाना इट वाज वेरी डिफिकल्ट आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन ने दे हैव क्रिएटेड थिंग्स सो सिंपल सो डिफरेंट दैट नथिंग इज नाउ इंपॉसिबल लोगों की इंफॉर्मेशन बेस इतना स्ट्रांग हो गया इतना ज्यादा हो गया आजकल आप वेब पे ब्राउज करते हैं तो जितनी किस्म के जिसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां से मिल जाती है तो आग्नशन के हवाले से वर्किंग कंडीशन के हवाले से और जो चेंजेस आ रही हैं ये चीजें शायद आपसे पहले मैनेजर से पहले आपके वर्कर को मिल रही हैं और वो जो मोमेंट थी थिंकिंग बियॉन्ड योर डोमेस्टिक नेशन बाउंड्रीज वो आसान होगी लोग यहां से उठते हैं किसी और कंट्री में जाके जॉब कर लेते हैं वहां से उठेंगे इस थर्ड कंट्री में चले जाते हैं दूसरी कंट्रीज के लोग आपके मुल्क में आके आपके अग्नेशन के लिए काम कर रहे हैं सो so दैट ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट के कुछ ऑफ़ कोर्स इट इज बेनिफिशियल बट सेम टाइम इट्स बिग चैलेंज फॉर द दर्गेनाइजेशन फॉर द मैनेजर्स क्योंकि लोगों के लिए ज्यादा ऑप्शन आ गई लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होगी ज्यादा और उससे कंपटीशन भी बढ़ गया क्योंकि नाव आने आई थिंक लेक्चर नंबर सिक्स में भी डिस्कस किया था डब्ल्यूडीओ के टू थाउजेंड फाइव में जो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें तो यहां पर आपके साथ हर कुछ कंप्लीट कर रहा होगा सो दैट इज ऑल्सो वन मेगा चैलेंज उसको कहते वॉट नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट जी कहते ना बिग टाइम प्रेशर आर फोर्स आर चैलेंज ऑफ टूडेज आर दे देर फेसिंग अभी आपने अपने लोगों को तैयार किया कि वो 486 कंप्यूटर के ऊपर काम करना उनको उस स्पीड के साथ काम करना सा आ जाए तो नेक्स्ट डे दिवसियन पहले आपने एक इक्विपमेंट नहीं लाए अभी उनको इंस्टॉल किया लगाया लोगों को सिखाया अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन किया एंड नेक्स्ट से यू फाइंड आउट कि आउटर इज ए न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट किसी भी चीज को देख लें इवन वर्किंग कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, पहले फाइल वर्क होता था अब ईमेल के जरिए

बड़ी दफा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं तो टेक्नोलॉजी का भी जो चेंजेस है इसमें जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका भी ऊपर बड़ा प्रेशर है। एंड देन, नाउ भीज ए मैनेजर यू हैव टू ऑलवेज क्रिएट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एट पार विजिंग टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स अदरवाइज यू लेफ्ट बिहाइंड लेफ्ट बिहाइंड आजकल का जो वर्कर है वो भी स्मार्ट है वेन दे नो कि वी आर नॉट गेटिंग एनी चांस टू ग्रो हेयर टू कैरियर डेवेलपमेंट जिसको हम पढ़ेंगे किसी स्टेज पे तो नेचुरली दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बेटर वेयर दे हैव मोर अपॉर्चुनिटी फॉर लर्न तो टेक्नोलॉजी के पेस के साथ चलना इज चैलेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजर्स क्योंकि इट इज गोइंग इट इज अफेक्टिंग योर ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टली They are the people who are directly handling this technology change. Another big challenge workforce diversity. This is also very important. That is the reason I have kept one whole chapter for this, one whole lecture for this subject. Workforce diversity basically.

लोगों का जो काम करने का ट्रेंड था वो चेंज होता जा रहा है हाउ शुड एज ए मैनेजर आई शुड मेक श्योर कि मैं जो काम कर रहा हूं मैं जो uh, जिस तरफ चल रहा हूं ये वर्कर मेरे साथ कंटिन्यू काम करते रहेंगे क्योंकि लोगों की प्रायोरिटीज तो चेंज होगी सो दैट इज ऑल्सो वन मैक्रो लेवल चेंज इज इट इज नॉट ओनली इफेक्टिंग यू सेम थिंग इज फॉर दर ऑर्गनाइजेशन उनके वर्कर के लिए भी यही सोच है यही किसी पर ट्रेंड शिफ्ट है जिसकी वजह से इसको हम मैक्रो फोर्स या मैक्रो लेवल चैलेंज समझते हैं वट वॉज नेक्स्ट आपने रीडिंग तो की होगी इस आज के लेक्चर से पहले तो आपने की दगान में पढ़ा होगा देर इज शिफ्ट टूवर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन टू सर्विस इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर यू हैव बेटर रिटर्न लेस रिस्क इन्वॉल्व नो टेक्निकली उसमें इन्वेस्टमेंट की भी इतनी जरूरत नहीं है आस्ता आस्ता वो इसी ट्रेंड के हवाले से देखें तो एक शिफ्ट आ रही है कि लोग सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं

वो आपके आपके जो है वो ऑर्डर ले जाते हैं पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग गो फॉर बिकॉज पीपल आर स्मार्ट तो आजकल के के ऑर्गेनाइजेशन लिए मसला क्या हो रहा है कि वो सर्विस इंडस्ट्री में शिफ्ट होने की वजह से यू आर नॉट गेटिंग द स्किल्ड पर्सन ऑफ पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम द मार्केट लोग दो साल का मास्टर कर लिया कुछ ट्रेनिंग कर ली और एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी स्किल डेवलप करके दे स्टार्टेड अर्निंग देयर लिविंग तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बड़ा जो इस वक्त समझा जा रहा है कि स्किल्ड पीपल आर लिमिटेड इन इनगनाइजेशन अफकोर्स इट इज डिमांड सप्लाई रिलेशन टूप टू क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑप्शन बहुत आ गई है जो चंद स्किल लोग थे वो ऑलरेडी दे आर इंजॉइंग गुड एनवायरमेंट दे आर वर्किंग देयर और ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हीं को फोकस किया हुआ है तो नए लोगों के लिए देर इज ए प्रेशर नगेनाइजन हैज डू बिकॉज दे हैव टू नाउ फाइव पीपल एंड देन ट्रेन देम और जब स्किल पर्सन बन जाते हैं तो फिर हाउ कैन यू मेक श्योर देश स्टे विद यू तो एनी वे इज एन अदर शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन टू सर्विस इंडस्ट्री जिसकी वजह से आपके पास स्किल लेबर आपको मिलनी कम से कम होती जा रही है मुयसर ही नहीं हर कोई मैनेजर बनना चाहता है ना काम कौन करेगा कारखानों में काम कौन करेगा एवरी इज थिंकिंग ऑफ लेट्स गो एंड गिव सम समी और लेक्चर दे दें कुछ सर्विसेज दे दें एंड विद लेस एंड लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिग इश्यूज काम और फैमिली सिस्टम का एक नया नजरिया डेवलप हो रहा है वो क्या है जैसे मैंने आपसे कहा कि कंपेटेटिव प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो नाउ पीपल आर स्पेंडिंग मोर टाइम एट वर्क सो वेर इज द फैमिली इेशन हेज टू टेक केयर ऑफ सर्टन फैमिली इश्यूज ऑफ देर एच आर एम पार्ट टू इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो अब हमारे यहाँ तो डायवर्सिटी आ गई है जेंडर जो इसमें मेल फीमेल सारे काम करते हैं अब तो बच्चों को कौन संभालेगा पहले तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होते थे अब तो वो कम से कम होते जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन हैज रियलाइज दैट काइंड ऑफ एफिशंसी आर कंसर्न ऑफ देर एच आर पार्ट उनको उसके एडजस्टमेंट के लिए चाइल्ड केयर अपनी जहां पर काम हो रहा है वहीं पर क्लियर करना पड़ा है छोटे स्कूल नर्सरी क्रैप वगैरह वहां पर खोलने पड़े ताकि बच्चे उनके वहां काम कर सकें देट इज हाउ इट इज ऑल्सो शिफ्ट चैलेंज एंड देर माइट भीज तो ऑर्गेनाइजेश के अंदर दिस चैलेंज ऑल्सो वन मेगा फोर्स वन मेगा और माइक्रो लेवल चैलेंज वॉट इज तो दैट वॉज बेसिकली ए मेट्रो जिसे कहना चाहिए लेट सी वर स्पेसिफिक आर्गेनाइजेशन चैलेंजेस जो आर्गेनाइजेशन एंड अगेन जिसमें ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके हवाले से क्या चैलेंजेस है एक लिस्ट है उसी तरह उनमें से चंद मैंने पिक किए कॉस्ट है क्वालिटी है कैपिटल लेस ऑर्गेनाइजेशन डाउन ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग री इंजीनियरिंग जिन्हें कहते हैं एंड आउटसोर्सिंग लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। अगेन कंट्रोलिंग कास्ट वाई इज वरी फॉर द कॉस्ट? बिकॉज फॉर ए कंपेटिटिव वेज कास्ट इज आल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ यू आर स्ट लीडर इन द मार्केट यू हैव द कंपेटेटिव एज नाउ व्हाट डज दिस कास्ट लीडर मीन हियर? कि आपने इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से आपने अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से आपने एफिशिएंट सिस्टम की वजह से बेसिक जो कास्ट थी उसको कम कर दिया टू नेचुरली नाउ यू हैव द एज एन अवर अदर ऑर्गेनाइजेशन

किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बजट को देखा जाए अराउंड थर्टी टू फोर्टी परसेंट गो टू सैलरी स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना ज्यादा नहीं होता लेकिन जनरली जहां पे सर्विस इंडस्ट्री सर्विस का ज्यादा रोल है जहां पे ह्यूमन रिसोर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट तो सैलरी वेरी हाई बेनिफिट्स उनकी बाकी चीजें और अगर प्रॉपर उन्होंने लोग रखे हैं उनको प्रॉपर ट्रेन किया हुआ तो फिर तो टेक्निकली कास्ट उनकी कम हो जाएगी वरना क्या है इफ यू पिक ए लेट्स एग्जाम्पल इफ यू पिक ए रॉन्ग पर्सन आपने ह्यूमन रिसोर्स का तो जो फंक्शन है सिलेक्शन का उसमें किसी को लिया उसको ट्रेन किया और जब वो देखा उसने प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो टेक्निकली वॉट हैपन एक तो आपने वो जितना भी उस पर खर्चा किया वो वेस्ट गया ड्यूरिंग दैट टाइम द अपॉर्चुनिटी अगर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन या प्रॉपरली मैच किया होता तो वो जो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आपके लिए प्रॉफिट या मुख्त एक्टिविटीज कर सकता वो आपने लूज की बैड रेपुटेशन डेवलप होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बिकॉज स्टार रेट विल बी हाई तो अब नेक्स्ट टाइम दूसरे, भी दूसरे भी उसी जॉब के लिए अनदर जो प्रोसेस करेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा एंडली फॉर यूर व्यूर प्रोड्यूसिंग सर्विसरली अगर ऑर्गेनाइजन अगने, को साथ साथ चेंजिंग एन्वायरमेंट के साथ चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपने एंप्लॉयज को उसके साथ एक्ट पार करने के लिए दे हैव टू कंटिन्यूनिंग एंड काइंड ऑफ डेवलपमेंट एक्सरसाइज उससे भी खर्चा आता है और अगर एफिशिएंट तरीके से आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली कास्ट को आप रिड्यूस करेंगे so enough, आप ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से जितनी भी कास्ट आ रही है आपको उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके ओवरऑल कास्ट कम कर सकते हैं और कास्ट कम होगी तो यू गाट ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी मार्केट यू आर द कास्ट लीडर नेक्स्ट इज इंप्रूविंग क्वालिटी इसको भी बड़ी दफा हम डिस्कस कर चुके हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है कम्युनिकेशन का जैसे मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंस आ रही है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो कस्टमर आर मोर क्वालिटी कौश दे आर रेडी नो दैट सच टाइप ऑफ थिंग इज अवेलेबल इन सच एंड सच मार्केट विद बेटर क्वालिटी एंड इविन लेस प्राइस

टाइप इपराइटर खत्म हो गए वो जो फाइलें इतनी बड़ी बड़ी बनती थी नाउ यू डोंट नीड फाइल्स योर कंप्यूटर कैन हैव ऑल दोज फाइल एंड इवन इफ यू हैव टू सेंड दो यू कैन जस्ट ट्रांसफर दोज फाइल टू नेक्स्ट डोर कुलीग अर इवन नेक्स्ट सिटी और शी शुड गो थ्रू एंड देन दे विल कम अप विद सोल्यूशन तो टेक्निकली क्या हुआ क्यों वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले ऑफिस होते थे बीस बीस लोग बैठे हुए हैं क्लिनिकल स्टाफ और बड़ी बड़ी फाइलें भरते जा रहे हैं उसके बजाय चीजें सिंपलीफाई होती जाने चली गई और ह्यूमन रिसोर्स नाउ दे हैव टू जस्टिफाई देयर प्रेजेंस यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई दैट वन पर्सन इज सिटिंग इन योर ऑफिस एंड डूइंग नथिंग पहले तो यह था कि उसने पंद्रह कागजों को जोड़ना है उसपे कुछ लिखना है उसको स्टेपल करना है उसको फाइल के अंदर लगाना है नो व्हाट? उसके साथ साथ देखें आप कि आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स की कंपिटेंसी भी बढ़ानी है पहले तो उसने दो लव्स फाइल पे लिख देने थे किसी से पूछ के भी लिख सकता था क्या सिर्फ स्टेप लगा देनी होती थी सा साइन कर देने होते थे नाउ वेन हैज़ टू कम्युनिकेट एंड थ्रू ई मेल दे शुड ऑल्सो नो द इंग्लिश हाउ टू राइट इंग्लिश इंग्लिश राइट सो हु विल मेक श्योर के वो काम जो मेन मकसद तो हुई ना एफिशियंट और इफेक्टिवनेस ना दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स सो देट देट शुड ट्रेन यूर एच आर पार्ट द ह्यूमन पार्ट मशीन रान वाइल्स उससे क्या हुआ कि वो पेपर जो मुख्तलिफ किस्म के पेपर फ्लो करते थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कम से कम होते गए वो जो बड़ी बड़ी फाइलें थी उनकी जरूरियात उनकी जरूरत कम होती गई सो ऑर्गेनाइजेशन देर शिफ्टेड फ्रॉम पेपर पेपर ऑर्गेनाइजेशन से पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उन साइजिंग इट सीम्स टू बी स्केर यू वर्ड एंड इज वाई पीपल यूजर वर्ड राइट साइजिंग बेसिकलीगनाइजेशन की जो पहले था मोर एंड मोर फ्लैट इन ऑर्गेजेशन जिन्होंने हार रखी थी वो नैरो से फ्लैट की तरफ आ गई सिंस इक्विपमेंट मशीन दे

हैव टू फेस कभी गोल्डन शेक एंड का नाम आया कभी किसी और शक्ल में दे हैव टू मेक दस्टमेंट दैट इज ऑल्सो वन चैलेंज फॉर द दर्गेनाइजेशन क्यूमन रिसोर्स के हवाले से री इंजीनियरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग दैट इज ऑल्सो एनदर चेंज कहना चाहिए काम करने के तरीके बदल गए कस्टमर डिफरेंट हो गए स्टेक होल्डर्स की प्रायोरिटी चेंज हो गई एंड दैट हेज फोर्स आर्गनेशन टू रीस्ट्रक्टर दैमसेल्फ एंड इवन समाइम दे हैव टू चेंज ऑल टूगेदर द होल बिजनेस और जब अगर आप कुछ चेंज लाते हो जैसे मैंने पहले भी कहा देन यू हैव टू ट्रेंड योर ह्यूमन पार्ट टू सो दैट दे शुडोटाइज एक्टाइज विद चेंजिंग एनवायरमेंट जो भी चेंज लाई आपने नया क्यूपन ले आए नई मशीनरी ले आए नया सिस्टम ले आए तो उस रिस्ट्रक्चरिंग रीऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स को भी उसके साथ आपने एडजस्ट करना है देर वॉज अनादर चेंज इन रीसेंट इ लोगों ने सोचा कि यार यह काम अगर मैं खुद करने के बजाय कहीं और से करवा लू एंड इफ आई कैन सेव समस्ट ड्यू टू दैट वायर वजूद है जो आउटसोर्सिंग वाला कॉन्सेप्ट प्रिवेल करना शुरू हो गया नाओ पॉइंट एक जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ चीज आप खुद बनाते हैं तो अगर आपका उस तो पर खर्चा ज्यादा आ रहा है ज्यादा रिसोर्स लग रहे हैं एंड इफ यू आर गेटिंग द सेम थिंग फ्रॉम द मार्केट विद अ बेटर प्राइस तो कौन ऐसा बिजनेसमैन होगा जो कहेगा नहीं मैं खुद ही बनाऊंगा तो आर्गेनाइजेशन ने भी अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया बिकॉज इफ यू कैन आउटसोर्स नॉट ओनली यू विल काइंड ऑफ सेव द डायरेक्ट कास्ट बट जो उसके ऊपर एडिशनल कास्ट होती है जो लाइबिलिटीज होती हैं उससे भी बच जाता है ना दिस अगेन क्रिएटेड ए काइंड ऑफ कॉर्स इन दर्गेनाइजेशन लैट ऑफ री एडजस्टमेंट इन दर्गनाइजेशन एज फार ह्यूमन रिसोर्स कंसर्न अब बजाय आपको प्रोड्यूस करने के लिए लोगों को रखने के लिए यू नीड सम पीपल ओनली फ्यू पीपल हु कैन अरेन्ज दो फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट दैट ऑल्सो बिकम वन चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन Let us see what is next. So, that was the part of organization. Now, let us see what different things what are the changes or what are the challenges at individual level for the worker, for the human resource at individual levels. What is the I have that is productivity a concern, a issue, a challenge, social responsibilities. एम्पावरमेंट ब्रेन ड्रेन एंड जॉब इन सिक्योरिटी इसका भी इफेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ रहा है और एज ए मैनेजर यू हैव टू बी केयरफुल यू हैव टू बी रिस्पॉन्स नो बाई वन बाई वन वट इज प्रोडक्टिविटी जैसे जैसे चीजें स्पेशलाइज होती गई सिस्टम इंप्रूव होते गए लोगों ने इंडिविजुअल्स पे भी क्योंकि इंडिविजुअल मेक द डिफरेंस ऑफकोर्स वी वी आर फोक वी आर गोइंग टू वर टीम वर्क बट स्टिल विद इन द टीम यू ऑलवेज बेंच मार्क पर द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी इज वेरी प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल उसी के बेस पे एक इंडिविजुअल ज्यादा अर्न करता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है उसकी उतनी ही ज्यादा जॉब सिक्योरिटी होती है दैट इज ऑल्सो वन चैलेंज एट इंडिविजुअल लेवल कि किसी की प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो क्यों अच्छी है अगर दूसरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वट इज रॉन्ग इधर इट इज द इक्विपमेंट आर द पर्सन हिम सेल्फ आर हर सेल्फ आर दे नीड सम स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेनिंग सो एज ए मैनेजर यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोस्ट हिम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी

ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी और विद ए सोसाइटी और इसी वजह से लट ऑफ अवर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दे दे आर हैव टू सफर रिसेंटली लाइक चाइल्ड लेबर वाज वन इशू दुनिया ने इसको एक्सप्लाइट किया कुछ हमारे मेहरबानों ने हमारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत लेकिन ज्यादातर स्पोर्ट्स जो हमारे सियालकोट का एरिया उसके अंदर प्रॉब्लम सिमिलरली वो इंडिविजुअल को जो ऑर्गेनाइजेशन का जो, जैसे मैंने कहा री स्ट्रक्चर हुआ रीडिजाइन हुआ ज्यादा पावर मिली उनको तो आप एज ए मैनेजर यू हैव टू भी यू हैव टू मेक श्योर उनका जो बिहेवियर है उनका जो रिस्पॉन्स है इट शुड बी एट द स्टैंडर्ड ऑफ दोसाइटी इसमें कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे अदारे को नुकसान पहुंचे न सिर्फ इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचे बट सोसाइटी विल सफर उस हवाले से भी नाउ डिसीजन मेकिंग इज एट द बॉटम लाइन टू हर जो मेंबर है आपका एच आर का जो वर्किंग वर्कर है अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ डिसीजन खुद भी कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको पावर कर दिया डिसेंट्रलाइजेशन हो गई है दैट इज ऑल्सो वन शिफ्ट और वन चैलेंज यही बात नाउ अर्लीट वॉज लाइक दिस क्यू देर वॉज वन कमांड यूनिट किसी भी ऑर्गेनेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट उसके साथ मार्केटिंग के लोग प्रोडक्शन के लोग टॉप जो उनके एग्जेक्टिव होते थे हेड होते थे दे वर दीपल हुआ बट नो थिंक आर चेंज ना ऑर्गनेशन आर मोर एंड मोर टूअर डिसेंट्रलाइजेशन वाई टू वेट फॉर समी दैट देश मेक दू ब और आपका कंपिटेटर जो है उससे एडवांटेज ले जाएगा उस हवाले से फिर सेंट्रलाइजेशन से की तरफ शिफ्ट हो गया नाउ डिसीजन मेकिंग इज एट इंडिविजुअल टू मैंने ये लेक्चर आपको साथ डिलीवर कर रहा हूं तो मेरे लेवल पे कुछ चीजें मैं खुद भी डिसाइड कर रहा हूं कि नहीं मुझे ये करना है इस तरह करना है सिमिलरली अदर पीपल इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दे दे हैव देव दावर इसका फायदे बहुत है Because if I know that I have I have been empowered, my morale will be different, and I will work with a different thrust, and that is a positive sign. Now it has to decide by the manager that how much empower you want to make those people. much power उनको delegate करना. monitoring or evaluation checking check and balance how to maintain those things. So this is also. इंडिविजुअल लेवल कि हर इंडिविजुअल के बारे में आपने देखना है कि उसने क्या क्या, क्या डिसीजन करने और उस डिसीजन उन डिसीन करने के लिए उसको कितनी एम्पावरमेंट चाहिए वो कहां तक वो खुद जा सकता है कहां उसने किसी से गाइडलाइन लेनी है पूछ के करना है अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्किल वर्कर कम से कम होते जा रहे हैं चंद लोग हैं लेट्स सी वही उन्हीं पे नजर है हर ऑर्गेनाइजेशन की मूविंग शिफ्टिंग फ्रॉम स्किल टू सर्विस इंडस्ट्री और लाइक प्रोडक्शन टू सर्विस इंडस्ट्रीज ने स्किल लोगों को या जो चंद लोग हैं उनकी डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी अब अगर एक ऐसा बंदा आपके पास काम कर का रहा है जो उस काम का माहिर है तो उसके लिए एज ए मैनेजर यू हैव टू मेक लाट ऑफ एडजस्टमेंट सेम टाइम यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आल्सो वन चैलेंज इसी हवाले से क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग स्पीड से चेंजेस आ रही हैं टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, है. Right अखबार में पढ़ते होंगे टीवी में सुनते होंगे फलागे ने इतने हजार लोगों को ले ऑफ कर दिया क्योंकि इट इज अम्पेटिटिव काइंड ऑफ प्रेशर और सरवाइवल की बात है इसने वो जो वर्कर है वो जो लोग हैं उनके अंदर एक इंसिक्योरिटी किस्म की Of course, few people are there, they, if they are competent and they are smart enough, they, they, they don't, they don't have to worry, but generally, still, it has some kind of pressures on the people working in your organization. Now, this is also a challenge for you as a manager to build the confidence of your people working with you so that their morale should be high and they should work with the same ट्रस्ट क्रिएट दी कंपेटेटिव एडवांटेज इन द मार्केट तो कुछ बात बनती नजर आती है कि जब हम एनवायरमेंट को स्टडी करते हैं तो जितनी फोर्सेस होती हैं कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं जो आपके बस में नहीं होती कुछ ऐसी चीजें होती हैं कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो आपकी इजेशन के अंदर आपके कंट्रोल के अंदर होते हैं और तो कुछ इंडिविजुअल लेवल पे कुछ चैलेंजेस होते हैं दे टू टूगैदर मेक द एनवायरनमेंट ऑफ दर्गेनाइजेशन और ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से चंद चीजों को मैंने इसके अंदर डिस्कस करने की so कोशिश no? की फ्रेंडली एनवायरनमेंट में सो दैट यू शुड नॉट अंडरस्टैंड इट इज समथिंग विच इज इम्पॉसिबल डिफिकल्ट वेरी सिंपल कॉमन सेंस की बातें आगे चलते हैं नए ट्रेंड्स क्या आगे वर्क प्लेस पे वर्किंग एनवायरमेंट जो चेंज हुई उससे ट्रेंड भी चेंज हो गए ना वो क्या ट्रेंड्स हैं आप अगर इनको लिस्ट करना चाहें तो यू कैन हैव द लॉन्ग लिस्ट लेकिन मैं चंद चीजें बेसिक आपसे साथ शेयर करूंगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड अदर थिंग्स कैन नेचुरली यू कैन रीड दैम इजीली एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट आप देखें बैचलर करना चाहते हैं चार साल का ऑफ कोर्स दैट विल बी द फर्स्ट थिंग एंड यू विल बी थिंकिंग आफ्टर दैट फॉर मास्टर एंड अल्टीमेट वर्क डी आजकल के वर्कर ज्यादा एजुकेटेड है पहले वर्कर दे आर बेटर लेकिन आजकल जिसको हम स्कूल कॉलेज एजुकेशन या दूसरी एजुकेशन कहते हैं इसमें आस्ता आस्ता पहले कोई बैचलर कर लेता था तो देर थिंकिंग देव डॉन ए वर्डॉब अब तो बैचलर के बाद अनलस यू डू मास्टर यू कैन गेट ए गुड जॉब एन एफ्यन एजुकेशन रिसर्च एस समिंग लाइक दैट अनल डू पी एच डी पर गेट अपाउट नी गुड कैरियर इवन कोई आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो नए और नए पैकेजेज आ रहे हैं नए और नए सिस्टम आ रहे हैं आपको एजुकेट करना है आपकी इंप्लाई ने आपको एजुकेट करना ताकि आप उस चेन के साथ मैच कर सकें तो एजुकेशन के लेवल बढ़ गया वन यू आर मोर एजुकेटेड तो नेचुरली यू आर मोर अवेयर यू आर मोर स्मार्ट एक लॉजिकल चीज बनती है ना उसके अलावा क्या चेंज आई पहले लोग किसी को हायर करते थे या कोई जॉब करता था तो देर वॉज नो टाइम लिमिट ऑफकोर्स आज भी कॉम्पिटेटिव प्रेशर बहुत है सो पीपल हैव टू वर्क राउंड द क्लाक बट लीगली You are supposed to work only for eight hours. Now, if you want that somebody should work for you more than for eight hours, then naturally he or she will be expecting something from you too. And what is that something? Is our time. What is catch for them? Why should they work extra? So, you as a manager, you have to see you extra work, then to proper compensation. So, work time is changed. फ्रॉम अनलिमिटेड टाइम टू यस स्पेसिफिक एट आवर वर्क और अब तो इससे भी आगे चलेगी बात अब तो इट इस प्रोजेक्ट पेस ऑर्गेनाइजेशन कहती है भले आप दो घंटे में खत्म करो चार घंटे में करो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन गो एट एट योर ऑन होम एंड वर्क कुछ खास लर्सी सॉफ्टवेयर बनाना है कुछ और चीज तो इट इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजन वर्क टू वर्क इसके अलावा मोर ऑप्शन जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले तो चंद जॉब्स थी चंद किस्म के काम थे अब तो यू गो इन द मार्केट एंड यू सी द्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट ऑप्शन स्पेशली जो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के आने से तो ये सारी दुनिया के अंदर आपके भी तो ऑप्शन ही आते पहले के वर्कर के लिए पहले का जो जो वर्कर था उसको सिर्फ चंद ऑप्शन थे क्या होती थी टीचर बन जाए फौज में चला जाए खेती बाड़ी कर ले अपनी दुकानदारी कर ले या बाद में सेवेंटीज में जिस तरह हमारे मिडल ईस्ट वगैरह का गया कि जाके लेबर और इस तरह के काम इंटेंसिव काम निकले लेकिन नाउ यू हैव सो मेनी डिफरेंट ऑप्शन दैट इज ए न्यू शिफ्ट न्यू ट्रेंड एट वर्क प्लेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज जैसे जैसे तालीम बढ़ी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ मिलनी शुरू होगी लोगों ने लोगों के रहने सहने के तौर तरीके भी चेंज हो गए ना पीपल वॉन्ट कन्वीनियंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने शुरू हो गए अच्छे एरिया में रहना अच्छा घर होना चाहिए अच्छा ऑफिस होना चाहिए घर के अंदर बेसिक नेसेसिटी बनती की चीजें कुछ चीजें जो लग्जरी थी इसी दौर में लाइक एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर ऑल दो थिंग वर्क होता था। उसके बगैर तो आप दो कदम ही चल सकते तो वो, ये भी एक शिफ्ट है और इट हैजू डू इट हैज लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन योर वर्किंग एनवायरमेंट नाउनाइजेशन हैज केयर ऑफ दोंग्स आपने जो लोगों को रखा है उसकी गाड़ी का बंदोबस्त भी करना है उसकी घर के लिए भी अच्छा को बंदोबस्त करना है इवन एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए

मोबाइल भी हो जाए तो अच्छी बात है क्या मेरी मेडिकल फैसिलिटी साथ मिलेंगी और कितनी किस्म की इंश्योरेंसेज आप देंगे दैट इज हाउ पीपल नाउ टाप नाउ लेट सी वॉट आर द फ्यू अदर थिंग्स डायवर्सिटी एंड जेंडर इशू एट वर्क प्लेस डायवर्सिटी एंड जेंडर इशू एनदर न्यू शिफ्ट एट द वर्क प्लेस एज ए सेट अर्यर डाइवर्सिटी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट लेक्चर डाइवर्सिटी इन वर्क फोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आई है वो है जेंडर इश्यू जेंडर मीन मेल एंड फीमेल वर्किंग टूगेदर अब तो हमारा फीमेल जो कॉम्पोनेंट है सोसाइटी का घर इक्वली पार्टिसिपेट है एट द वर्क प्लेस दैट इज ए पॉजिटिव साइन लेकिन उसके कुछ इश्यूज भी हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसके अलावा क्वालिटी

ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंप्लेक्सली बनाते जा रहे हैं लेकिन कोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बेहतर होती जा रही है तो आज के लिए काफी आई होप के वी आर गेटिंग थ्रू ऑल दो पॉइंट्स टुगेदर विथ सम लर्निंग थोड़ा सा समराइज कर लें आज क्या डिस्कस किया हमने चैलेंजेस देखे इन्वायरमेंट एज ए होल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से एंड देन वी डिस्कस फ्यू ट्रेंड्स न्यू ट्रेंड एट द वर्क प्लेस तो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कल जब आप पढ़ेंगे मुख्तलिफन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कल मीन आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर तो आपको ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए ताकि इसकी एप्लीकेशन आपको समझ आ सके एज यू यगेन बिफोर क्लोजिंग वट विल बी डिस्कसिंग टूमारो आर नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी येस डायवर्सिटी वर्क फॉर डायवर्सिटी सोर्सेस क्या हैं इसके क्या क्या बेसिस पे डायवर्सिटी फाई होता जा रहा है और किस तरह उसको एज ए मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह इसको मैनेज करना है इसके फायदे क्या है ड्रा बैक ऑफ अटर्न आर So, आज का तो टॉपिक बड़ा सिंपल था लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चीजें सिंपल हों तो उनको इजी लें अमूमन ऐसे होता है कि जो चीजें सिंपल होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं और उसी वजह से नुकसान उठाते हैं टेक एवरीथिंग सीरियसली वर्क हार्ड एंड इनशाला यू विल बी सक्सेसफुल Take care, thank you and Assalamu alaikum.